अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और उसमें आपको जो देखने मिलेगा वो भी बहुत अलग है। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिप डालूंगी, कल जो हमने मंडी ऑर्डर करके खाए थे उसकी, और अभी जो हमने जूसेस और फालूदा सब मंगाया उसकी। उसके बाद जो व्लॉग स्टार्ट होने वाला है ना, वो व्लॉग मेरी बहन ने दुबई से बना के स्पेशली मेरे लिए शूट करके भेजी है। तो ये वीडियो में आपको वो सब देखने मिलेगा, जो भी उसने शॉपिंग की है, जैसा वो कहीं डिनर करने गई है और वो सब कुछ। तो फिर ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। सो दिस इज चिकन सऊदी अरेबियन मंडी फ्रॉम अरेबियन दरबार। सो नाउ आई हैव बॉट दिस मोजिटो फॉर मी एंड दिस नूरानी स्पेशलिस्ट मिल्क फॉर माई सिस्टर, शी लव्स इट, एंड दिस इज माई मॉम्स फेवरेट फालूदा। वेलकम व्यूवर्स, वेलकम टू माई चैनल, बेसिकली मेहरीन्स चैनल। सो मेरी सिस्टर इंडिया में है एंड शी वॉन्ट्स मी टू शूट द ब्लॉग। तो आज मैंने उसकी रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट करके आज मैं भी जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। सो बेसिकली आई एम गोइंग डे टू डे नाउ, बिकॉज उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी एंड वो घर कुछ चीज़ें भिजवानी थी। तो उसने बोला कि प्लीज़ थोड़ा सा रमज़ान का सारा कुछ थोड़ा बहुत शूट करके मुझे सेंड कर देना। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। बेसिकली मेरा चैनल को तो क्या पता क्या हो गया, जी मेल आई डी का कुछ इश्यू हो गया। सो आई कांट अपलोड वीडियोज फॉर नाउ, बट मे बी लेटर वेन आई विजिट इंडिया तब उसका इशू मे बी सॉल्व हो जाएगा। सो फॉर नाउ आई एम शूटिंग फॉर हर। सो आई होप कि इसके व्यूज़ अच्छे आए और उसको कमेंट्स, उसके सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह अच्छे बने। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक, दुआ में याद रखिए और फलस्तीन के लिए भी दुआ कीजिए। और चलिए फिर मैं आपको वहाँ मिलती हूँ और शूट करके आपको सारा कुछ बता दी। डेकोरेशन याबू दादू के नीचे, ईद कलेक्शन मैंने लिया है इन लोगों के लिए, स्क्रंची हेड पिंस, और अभी और शॉपिंग बाकी है। व्हाट आई कैन बाय फॉर देम जो उन लोगों को सूट करे। क्लिप्स भी है, बहुत चीज़ें है, कलेक्शन ईद का बहुत ज़बरदस्त आया है यहाँ पे। सो अडोरेबल, लाइक सीरियसली। सब बर्शिया के काम का है। लेट्स बाय समथिंग फॉर हर ईद आउटफिट। ईद उसका ब्लैक कलर है, सो ब्लैक में उसके लिए लेती हूँ, अच्छी सी स्टाइलिश कलेक्शन। आई थिंक ये वाला अच्छा है, इट्स समथिंग यूनिक। देखते हैं और भी ऑप्शंस है, फ्लिप कर सकती हूँ बाद में। दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट बट ये बहुत सिंपल है। समथिंग फॉर ईच शुड बी लाइक। बाहर आ गई हूँ और सारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और अभी 12:15 बज रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी किया मैंने क्योंकि कल मुझे ऑफिस भी जाना था। फ्रेंड्स वेलकम टू माय सिस्टर्स चैनल। तो कल का व्लॉग जो है मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, बिकॉज कल थोड़ा ही शूट किया था और उसको ये सारी वीडियोस मुझे भेजनी है। तो आज हम लोग आए हैं कौन से रेस्टोरेंट में, बुखारी रेस्टोरेंट। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है हमारे, वी आर स्टेइंग लाइक वी आर नेबर्स। तो अभी ये हम लोगों ने मंडी ऑर्डर की है, बताती हूँ। मैं आज सहरी का प्रोग्राम किया सैटरडे नाइट मंडी का, तो अभी मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिस्टर्स चैनल। सो कंटिन्यूइंग द व्लॉग एंड आई हैव हियर एट सलू कैफे टुडे, बिकॉज आज मेरे में ताकत नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊँ, मैं बहुत थक गई थी। सो आई हैव कम हियर टू हैव माई शॉर्मा, क्योंकि आज मुझे शॉर्मा की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं अपने शॉर्मा खाने आई हूँ। बैटरी के साथ रात के 1:30 बजे वीडियो शूट करते हुए मैं चल रही हूँ शारजा की सड़कों पर, शॉपिंग करके, चाय पी के, शॉर्मा खा के मस्त। और इतनी ठंडी हवा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत ठंडी है। ये
जैकेट बिना नहीं निकल सकते बाहर, बहुत ठंड है। क्लाइमेट बड़ा ज़बरदस्त लगता है, इसके लिए मैं निकल गई डिनर करने बाहर। तो शॉर्मा खा ली, शॉर्मा से ही मेरा हो गया। और प्लस दूसरी बात ये कि मुझे घूमना अकेले बहुत अच्छा लगता है, मुझे सेल्फ कंपनी मुझे बहुत पसंद है। दैट आई डोंट लाइक मैनी ग्रुप्स, लाइक ग्रुप जो मैं बिग ग्रुप ऑफ पीपल फ्रेंड्स इतने सारे हैं, मुझे इतना वो नहीं है। सो इंडिया पर भी मेरे दो फ्रेंड्स थे, बेस्ट वही है। यहाँ पर भी मेरे दो फ्रेंड्स हैं, तो वो दो ही मेरे लिए काफ़ी है, और मैं खुद अपने लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। सो इट्स लाइक कि मैं अपना अकेले घूम के चिल करके अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स लाइक कि दैट्स वाई आई डोंट स्टे इन बेड स्पेस और शेयरिंग्स लाइक दैट। मैं अपने रूम में रहती हूँ, लाइक अकेले रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मेरा मूड का बहुत मसला है कि कभी ये अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से आई स्टे द वे आई लाइक। लेना था मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा के ड्रेस के मैचिंग के स्टोर्स, क्योंकि यहाँ पे अरबिक स्टाइल स्टोर्स बहुत ज़बरदस्त मिलता है, तो मैंने वो लिए। मेरे लिए चप्पल ली अच्छी वाली, मस्त ड्रेस पाकिस्तानी सूट्स के ऊपर पहनने के लिए, क्योंकि अभी बड़ी रात सब है तो ड्रेसेस के साथ मैचिंग पहन के ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर है दैट आई लाइक एवरीथिंग लाइक अप टू डेट, ऊपर से नीचे तक ऐसा होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट मिलना चाहिए चीज़ों का, एक्स वाई जेड नहीं अच्छा लगता मुझे। तो ऐसे थोड़ी शॉपिंग की और अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि सुबह 8:45 की मेरी शिफ्ट है, देन मैं 4 को घर आऊँगी। समटाइम्स एक्सटेंड हो जाता है बिकॉज रमज़ान है, स्ट्रेस भी बहुत होता है काम का, प्लस टाइमिंग शॉर्ट हो जाते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पर मुस्लिम्स की बहुत सुपीरियरिटी है, जो बहुत ध्यान दिया जाता है, रमज़ान है एंड दे डोंट कीप यू इन स्ट्रेस। लाइक थोड़ा बहुत बोलते हैं बट दे डोंट प्रेशराइज यू मच, दे अंडरस्टैंड के रमज़ान है एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत, बल्कि यहाँ पे ईद की हम 7 डेज की हॉलीडेज होती है, लाइक 1 वीक हॉलीडे यू गेट फॉर ईद, सो इट्स गुड, लाइक एवरीथिंग इज़ गुड। द सेकेंड थिंग, लाइक फर्स्ट थिंग इज़ लाइक कि इट्स वेरी सेफ कि मैं अभी 2 बजे यहाँ घूम रही हूँ अकेले, लाइक मेरे साथ कोई भी जेंट्स नहीं है, आई डोंट हैव एनी बडी टू प्रोटेक्ट मी एंड आई एम रोमिंग लाइक दिस, लाइक फ्री थी, आई डोंट केयर अबाउट एनी। सो द थिंग इज़ आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज द कंट्री इज़ सेफ, बस यही चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं, अभी कंटिन्यू करूँगी मैं ब्लॉग को बाद में, अभी मैं कहीं गई हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज़, एवरीबॉडी टेक केयर। तो आप लोगों ने जैसा ब्लॉग देख लिए कैसे वो वहाँ रह रही है, हाउ शी इज़ शॉपिंग फॉर अस, हाउ शी इज़ इंजॉइंग हर सेल्फ विथ हर फ्रेंड्स, एंड उसका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, और मेरे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उसने ये ब्लॉग बनाई है और ये ब्लॉग बना के मुझे सेंड की। सो मैंने अभी अपलोड करी हूँ आप लोगों के लिए, और उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स है। इतना फुल उसका रूटीन नहीं है कि वो इफ्तार कैसे प्रिपरेशन करती है, कैसे मॉर्निंग में जाती है, ये भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको बोलूँ कि नेक्स्ट अभी तो बनाई, क्योंकि इतना इंसिस्ट करने के बाद अभी जो उसने ब्लॉग भेजी है, अब इतना बोलूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। बट आई विल ट्राई टू टेल हर के कुछ उसका मॉर्निंग रूटीन या उसका रमज़ान रूटीन का भी कुछ वीडियो बना के भेजें मुझे, ताकि मैं अपने ब्लॉग पे अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोगों को भी देख सकूं कि वो वहाँ कैसे रह रही है। और यही था मेरा आज का वीडियो, मेरी बहन के वो रूटीन के ऊपर, उसकी शॉपिंग के ऊपर, और वो वहाँ कैसे इंजॉय करती है माशाल्लाह उसके ऊपर। और उसका तो इतना बिजी स्केड्यूल है कि ब्लॉग में मैं देखती हूँ नेक्स्ट डे का मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि एक एक दिन का उतने ज़्यादा शूट की नहीं थी, क्योंकि बींग अलोन इज़ नॉट ईजी, बट शी इंजॉय हर सेल्फ एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग आई नो माशाल्लाह। और बहुत अच्छे से उसका वहाँ रमज़ान जा रहा है, और देख कर भी ब्लॉग मुझे भी मज़ा आया। और मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।